नगर पालिका द्वारा लगाए जा रहे यूजर्स चार्ज का पूर्व सभासद राजेंद्र उपाध्याय ने भी विरोध किया है। पूर्व सभासद ने कहा कि नगर पालिका सीवर को नदी में डालकर सरयू को प्रदूषित कर रही है, लेकिन जनता से सीवर का टैक्स वसूल रही है। यहाँ बता दें कि यूजर्स चार्ज का युवक कांग्रेस तथा व्यापार संघ ने भी विरोध किया था। पेशे सीसी न्यूज की रिपोर्ट। ऐसा है कि यूजर चार्ज नगर पालिका लगाए इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने यूजर चार्ज के लिए क्या सुविधाएं दे रखी हैं? आप आज कह रहे हैं कि भाई आप सीवेज का आपका क्या सिस्टम है? आपके जितने भी नगर पालिका के यहाँ शौचालय बने हैं, सुलभ शौचालय बने हैं, उसका सीवेज आप कहाँ डाल लें? और आप एक तरफ से कह रहे हैं कि नदी को स्वच्छ रखो और दूसरी तरफ से पूरा जो सीवेज है वो नदी में आप डाल लें खुद। तो पहला पेनल्टी तो नगर पालिका को पड़नी चाहिए सबसे पहले। और हमने जो है जब हम सभासद थे तो हमने उस समय जो है खंडू जी मुख्यमंत्री थे और हमने उस समय सारा जो है यहाँ सीवेज का ये सीवर लाइन का पूरा प्रोजेक्ट बनाया था। उसमें नगर पालिका के से हमने आर्किटेक्ट बुला के सारा चीज़ करवाया था। उसमें आपने क्या इम्प्लीमेंट किया है? उसमें कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और आप आज कह रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती कहें यूजर चार्ज दे दो ये दे दो। अरे भाई आप सुविधा क्या दे रहे हैं? आप सुविधा दीजिए तो उसके बाद यूजर चार्ज भी लगाइए, अच्छी बात है, वो कोई बुरा नहीं है, वो नगर पालिका की आय बढ़ेगी। लेकिन आपकी सुविधा क्या है? आप पहले खुद गलत है। तो इसलिए सबसे पहले पेनाल्टी, मेरा कहना यह है कि सबसे पहले पेनाल्टी जो है नगर पालिका को पड़नी चाहिए।